हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मेनिया प्लेटफॉर्म। सो आज हम कुछ इरिगेशन के इंजीनियरिंग क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है सारे एग्जाम्स के लिए। सो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग, सबसे पहले जब हम इरिगेशन इंजीनियरिंग शुरू करते हैं तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ द वाटर टू दी फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स, राइट। तो क्रॉप्स का ग्रोथ क्या है, कैसे हो, ज़्यादा से ज़्यादा यील्डिंग हो क्रॉप्स का, उसके लिए हम क्या करते हैं, इरीगेशन करते हैं। तो इरीगेशन इंजीनियरिंग में होता क्या है, कंट्रोल एंड हार्वेस्टिंग ऑफ द नेचुरल सोर्स। तो हम क्या करते हैं, जो भी वाटर का नेचुरल सोर्स है, जैसे कि रेनफॉल हो गया, फ्लड आया, तो वो जो नेचुरल सोर्स जो होता है वाटर का, उसे हम कैसे हार्वेस्ट करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, वेरियस स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट। जैसे कि डैम हो गया, रिजर्वर हो गया। तो ये जो इरिगेशन इंजीनियरिंग है वो क्या करता है, डील करता है विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर। वो स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर रिलेटेड है किसके साथ, जैसे कि जो स्ट्रक्चर कनेक्टेड है रिवर वाटर के साथ, जैसे हो गया वाटर लॉगिंग के साथ, ड्रेनेज के साथ, ये सब सिस्टम के साथ वो इरिगेशन इंजीनियरिंग जो है डील करता है। सो इरिगेशन इंजीनियरिंग का ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ द इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो हम हर चीज़, जैसे वी आर इंजीनियर, तो हम कुछ भी करते हैं वो कुछ ज़रूरत को पूरा करने के लिए ही करते हैं। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ने का रीज़न, उसका नेसेसिटी भी कुछ है इरिगेशन का। तो क्या नेसेसिटी है, सबसे पहले है कि क्रॉप का कैसा यील्डिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्रॉप को प्रोडक्ट कर सकें, सबसे पहली बात। दूसरा बात होता है जो कि अनइवननेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल होता है, उसको कैसे हम कंपनसेट कर सकें। जैसे कि अनइवन रेनफॉल हुआ तो उसे हम कैसे ओवरकम कर सकें, ठीक है। उसके बाद अनएडिक्वेट रेनफॉल होगा उसके वजह से हम और क्या नेसेसरी हो सकता है कि हम पेरिनियल क्रॉप्स के लिए वाटर का ज़रूरत है, तो उसके लिए हम इरिगेशन का ज़रूरत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मिक्स, एक साल में 2 से 3 क्रॉप्स हम प्रोडक्ट करें, उसका ज़रूरत हो सकता है। तो एडवांटेजेस क्या होता है इरिगेशन का, सबसे पहला इरिगेशन का एडवांटेजेस होता है कि क्रॉप बिल्डिंग हो जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी भी हम ज़्यादा प्रोडक्ट हो सकता है कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उस इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन जो होता है, देखो जैसे कि अब इरिगेशन की वजह से बहुत सारे एम्प्लॉय भी मिल जाता है, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाता है, उनको काम मिल जाता है वेरियस फील्ड में। जैसे कि अब डैम कंस्ट्रक्ट हुआ, रिजर्वर कंस्ट्रक्ट हुआ, तो उसके लिए वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर का ज़रूरत होता है, और वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत सारे लेबर की ज़रूरत होते हैं, बहुत सारे इंजीनियर की ज़रूरत होते हैं, तो वहाँ पर एम्प्लॉय हो जाता है लोगों का, उसके वजह से ये एक बात हुआ। उसके बाद अब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो उसके लिए भी लेबर का ज़रूरत होगा, तो उसके लिए भी एम्प्लॉय का ज़रूरत होता है। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग में ये सब हमारा एम्प्लॉयमेंट भी होता है, ओके। तो हर चीज़ का डिसएडवांटेजेस होता है और एडवांटेजेस, अगर हर चीज़ का एडवांटेजेस है तो उसका डिसएडवांटेजेस भी होता है हर चीज़ में। तो इसका भी डिसएडवांटेजेस क्या है कि अब देखो, जैसे कि हम इरिगेशन करते हैं, अगर मान लो हद से ज़्यादा इरिगेशन कर लिए किसी भी लैंड में, तो क्या होता है, वो वाटर लॉगिंग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि ग्राउंड वाटर जो है वो भी पॉल्यूट हो सकता है, क्योंकि जब लैंड में वाटर है सॉइल में अगर कोई भी केमिकल प्रेजेंट हो, वो वाटर क्या होता है, लीचिंग होकर नीचे चले जाता है, लीचिंग होता है। तो लीचिंग होने की वजह से वो क्या होता है, लीचिंग, मतलब कि जो केमिकल वाला वाटर होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, नीचे चल जाता है, ग्राउंड वाटर में जाके ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर देता है, ठीक है। ये बात हुआ। उसके बाद हम इरिगेशन के बारे में पढ़ते हैं कि इरिगेशन वेरियस टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सरफेस इरिगेशन, एक होता है सब सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन का बात अगर करें तो एक होता है फ्लो इरिगेशन, एक होता है लिफ्ट इरिगेशन। अगर सब सरफेस का बात करें तो सब सरफेस का मतलब क्या होता है, सब सरफेस में वेरियस टाइप ऑफ आते हैं। तो जैसे कि सब सरफेस में क्या होता है कि जो वाटर है ना, वो डायरेक्टली मतलब विथ ग्राउंड वाटर से, ग्राउंड से उसके उसका कोई भी रिलेशन नहीं, वो डायरेक्टली अंडरग्राउंड में ही जाता है वाटर, ठीक है। वैसे हम अंडरग्राउंड इरीगेशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब इरिगेशन है, तो इरिगेशन में वेरियस टाइप ऑफ वाटर आते हैं। जो क्लासिफिकेशन ऑफ द वाटर में जैसे देखें, तो सबसे पहला बात अगर देखा जाए, जैसे कि अभी सॉइल के ऊपर वाटर आया,
ठीक है। तो सॉइल के ऊपर में जैसे ही रेनफॉल, मान लो रेनफॉल हुआ या फिर हम इरीगेट किए वाटर, ठीक है, इरीगेशन किए सॉइल पे, तो सॉइल में पहले सबसे जब वाटर आएगा सॉइल पे, ठीक है, तो क्या होगा, वो टोटल सारे जो वॉइड्स हैं सॉइल के अंदर, वो क्या होगा, सैचुरेशन कैपेसिटी आ जाएगा उसमें, सारे वॉइड्स जो हैं वाटर से फुल हो जाएंगे, तो उसे वो बोल देते हैं हम, उसे बोलते हैं वो सैचुरेशन कैपेसिटी। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे अंडर द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी वाटर जो होता है वो फ्लो होके ये बहुत जल्दी नीचे चले जाता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं ग्रेविटी वाटर, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब ग्रेविटी वाटर फ्लो हो गया और जो बाकी वाटर रह गया, मतलब कि जितना ड्रेन ऑफ होना था वो तो हो गया अंडर द फ्लो फोर्स ऑफ द ग्रेविटी, ग्रेविटेशन फोर्स के वजह से जितना वाटर अंदर जाना था चले गया, बाकी जो भी वाटर है वो क्या किया ना, सॉइल पकड़ के रखा उसे, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या किया वो, ड्यू टू सरफेस टेंशन के वजह से वो वाटर को अगेंस्ट द ग्रेविटी वो पकड़ के रखा, तो वो हो जाएगा हम लोग का कैपिलरी वाटर, ठीक है, वो जो वाटर अगेंस्ट द ग्रेविटी सॉइल पकड़ के रखा उसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर, ठीक है। तो जब हमारा क्या हुआ कि ग्रेविटी वाटर के बाद हमारा आ गया कैपिलरी वाटर, ठीक है, उसके बाद वाटर क्या होगा और भी नीचे जाएगा, और ऐसा एक जोन होता है जिसे बोलते हैं हाइड्रोस्कोपिक वाटर, वो ऐसा वाटर होता है जो कि प्लांट जो होता है वो, हाँ, और एक बात है, मेन मुद्दे का बात ये है कि जो कैपिलरी वाटर होता है जो कि सॉइल होल्ड करके रखता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, वही वाटर क्या होता है, वही वाटर को प्लांट जो है वो यूटिलाइज करता है अपने ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो कैपिलरी वाटर के बारे में है कि हाँ, सबसे पहले कैपिलरी वाटर ए पार्ट ऑफ द वाटर विच एग्जिस्ट इन द पोरस स्पेस ऑफ द सॉइल बाय मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। सो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन मतलब कि सरफेस टेंशन अगर बोल सकते हैं तो ये भी सही होगा कि बाय द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या होगा कि सॉइल का जो पोरस होता है, जो सॉइल में वॉइड्स होता है वो वाटर को पकड़ के रखता है, वही जो कि प्लांट्स का जो प्लांट्स यूटिलाइजेशन करता है। ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है कि जो वाटर को सॉइल पकड़ के नहीं रख सकता, द वाटर विच कैनॉट बी हेल्ड बाय द सॉइल, ओके, एंड इट फ्लो अंडर द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। तो ये जो वाटर होता है ना वो बहुत जल्दी ही क्रॉस हो जाता है, मतलब कि बहुत कम टाइम के लिए सॉइल में रहता है, कम से कम 1 से 2-3 दिन तक ये सॉइल में रहता है। तो ए पार्ट ऑफ द वाटर विच विल मूव आउट ऑफ द सॉइल इफ प्रॉपर ड्रेनेज इज प्रोवाइडेड, ओके। हाइड्रोस्कोपिक वाटर के बारे में अगर बोला जाए तो क्या होता है कि ये हाइड्रोस्कोपिक सॉइल जो होता है क्या होता है, एटमोसफियर में वो एक्सपोज होकर रहता है, तो सॉइल उस टाइम क्या करता है ना, सो मॉइस्चर क्या करता है, एटमोसफियर से एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है वो कोई मतलब प्लांट एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो हाइड्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, व्हेन एन ओवन ड्राइड सैंपल कैप्ट ओपन टू द एटमोसफियर इट एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर, ठीक है, सम अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो मॉइस्चर को हम क्या कर सकते हैं, मतलब हम तो नहीं, प्लांट क्या करता है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, ये होता है हाइड्रोस्कोपिक वाटर। तो अब ये तो बात सबको पता होगा कि एक लिमिट होता है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ओके, ये पॉइंट को अगर हमारा मॉइस्चर कंटेंट क्रॉस कर लिया तो वो हो जाता है हाइड्रोस्कोपिक वाटर, और उस वाटर को, जिस वाटर को प्लांट एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और एक होता है सैचुरेशन कैपेसिटी, क्या सैचुरेशन कैपेसिटी, एक पॉइंट है जिस पॉइंट में क्या होता है सारा वॉइड्स जो होता है वो सॉइल का वो फिल हो जाता है, वहाँ पे सरफेस टेंशन कुछ भी नहीं रखता, ठीक है। और एक पॉइंट आता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, जिसके ऊपर का जो वाटर होता है वो रेडीली अवेलेबल वाटर होता है, ठीक है। और अगर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से कैपिलरिटी जोन होता है, मतलब कि अच्छा आगे देखते हैं वो बात, फील्ड कैपेसिटी, राइट, हाँ, तो फील्ड कैपेसिटी होता है। अच्छा देखो, पहली बात मैंने बताया सैचुरेशन कैपेसिटी, जिस एक ऐसा एक कैपेसिटी है जहाँ पे कि सॉइल का सारा वॉइड जो है वो वाटर से फिल हो जाता है, द अमाउंट ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड टू फिल इन द पोर्स स्पेस ऑफ द सॉइल बाय रिप्लेसिंग ऑल द एयर प्रेजेंट इन इट, मतलब कि जितने भी वॉइड्स होते हैं, वॉइड्स में क्या होते हैं, एयर होते हैं, उस एयर को रिप्लेस करके वहाँ पे वाटर आ जाता है, तो वहाँ पे हो जाता है सैचुरेशन कैपेसिटी। मतलब समझ में आया कि सॉइल में जो भी वॉइड्स हैं वो वाटर से फिल हो जाएंगे, राइट, उसे बोलते हैं कि सैचुरेशन कैपेसिटी।
कैपेसिटी, फिर आता है फील्ड कैपेसिटी। जैसे ही ग्रेविटी वाटर का जोन ख़त्म होता है वहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी मतलब कि वो कैपेसिटी जो कि जहाँ पे भी ये वाटर सॉइल जो है वो वाटर को पकड़ के रखेगा अगेंस्ट दी ग्रेविटी। मतलब कि अगर देखा जाए तो ये बोल ये है कि मॉइस्चर कंटेंट ऑफ दी सॉइल लेफ्ट आफ्टर फ्री ड्रेनेज हैज़ बीन रिमूव्ड। मतलब कि वो बोल रखा है कि जब ग्रेविटी वाटर क्या होता है, जो वाटर फ्लो हो गया तो वो वाटर फ्लो होने के बाद जितना वाटर रहा वो वाटर क्या करता है सॉइल होल्ड करके रखता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो जितना वो होल्ड करके रखा वो होता है उसका फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, वो पॉइंट है फील्ड कैपेसिटी। उसके बाद परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके बियॉन्ड अगर वाटर लिमिट चले गया तो समझ लो वो हो जाएगा हाइड्रोस्कोपिक वाटर और वो उस वाटर को हम कोई भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, मतलब कि प्लांट एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता है। उसके बाद होता है अवेलेबल मॉइस्चर। देखो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से लेके फील्ड कैपेसिटी तक, ठीक है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और फील्ड कैपेसिटी दो पॉइंट आते हैं, उसके बीच में आते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, तो हमारा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के नीचे आएगा हाइड्रोस्कोपिक वाटर, ठीक है, उसके हाइड्रोस्कोपिक वाटर, फिर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के ऊपर का जो जोन आएगा पूरा कैपिलरी वाटर जोन में आएगा। ठीक है, उस कैपिलरी वाटर जोन के ऊपर आएगा ग्रेविटी वाटर। ठीक है, तो अगर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के हम ऊपर जाते हैं कहाँ तक, फील्ड कैपेसिटी तक, तो वहाँ तक जो भी मॉइस्चर रहता है उसे बोलते हैं अवेलेबल वाटर, अवेलेबल मॉइस्चर। ठीक है, अब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से लेके फील्ड कैपेसिटी तक हम जब जाएंगे तो उसे बोलेंगे रेडिली अवेलेबल वाटर। तो जो रेडिली अवेलेबल वाटर होता है वो 70% ऑफ द अवेलेबल वाटर होता है। ओके, अच्छा, ओके, उसके बाद हमारा अब हम वेरियस टाइप ऑफ वाटरिंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्रॉप्स, मतलब कि क्रॉप्स, जैसे कि हम सबको पता है क्रॉप सीज़न होता है इंडिया में, जैसे होता है खरीफ सीज़न, रवि सीज़न, ठीक है, जैद क्रॉप, ये बोलते हैं ना, खरीफ क्रॉप, रवि क्रॉप, जैद क्रॉप, पेरिनियल क्रॉप, ऐसे होता है। तो वैसे ही उसके बाद हम सब जानते हैं कि जब मतलब कि एक हमारा वेरियस टाइप ऑफ टर्म्स होता है, इंपॉर्टेंट टर्म्स, उसमें से एक टर्म से कोर पीरियड। ठीक है, कोर पीरियड मतलब कोर वाटरिंग, राइट, कोर वाटरिंग। जब अब देखो क्या होता है, एक टाइम होता है जब हम बीज बोते हैं, मतलब कि सोइंग करते हैं, ठीक है, सोइंग करते हैं, उसके बाद एक पॉइंट होता है जहाँ पर हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जब हम बीज बोएंगे, सोइंग करेंगे, उससे डायरेक्ट तो कहीं जाके सॉइल में सोइंग नहीं करते, उससे पहले फील्ड को प्रिपरेशन करना पड़ता है। फील्ड में हम वाटरिंग करते हैं कुछ दिन तक, मिट्टी प्रिपेयर होता है, सॉइल प्रिपेयर होता है, उसके बाद हम सोइंग करते हैं। तो सबसे पहला वाटरिंग जो होगा वो सोइंग के पहले होता है, राइट, और सबसे लास्ट वाला जो होता है वो हार्वेस्टिंग के पहले होता है, क्योंकि हार्वेस्टिंग के बाद तो वाटरिंग मुझे नहीं करना है, हार्वेस्टिंग के पहले वाटरिंग कुछ दिन पहले किया जाता है। ठीक है, ये बात हमें पता है। तो अब देखो ये बोल रहा है कोर वाटरिंग। कोर वाटरिंग एक्चुअली होता क्या है, देखो देखा जाए तो हम सब जानते हैं कि कोर वाटरिंग ये होता है कि सोइंग के पहले मतलब कि फर्स्ट वाटरिंग बिफोर दी सोइंग, राइट, तो वो होता है हमारा कोर वाटरिंग। और उस वक्त जो डेप्थ होता है हमारा वाटर डेप्थ, उसे बोलते हैं कोर डेप्थ, राइट। सो वैसे ही पेलियो इरिगेशन भी देखा जाए तो वही बोल रखा है, पेलियो इरिगेशन भी वही होता है। पेलियो इरिगेशन क्या होता है कि दी फर्स्ट वाटरिंग गिवन टू द सॉइल बिफोर सोइंग। तो यहाँ पे कुछ अलग बोला है, एक्यूरेट बोला है कोर वाटरिंग के बारे में कि द फर्स्ट वाटरिंग गिवन टू द सॉइल आफ्टर क्रॉप हैज़ ग्रोन फ्यू सेंटीमीटर, ओके, कोरिस्पॉन्डिंग पीरियड। तो वो बोल रखा है कि कोरिस्पॉन्डिंग पीरियड मतलब कि उसी दिन इरीगेशन हम कर रहे हैं, मतलब सोइंग किया उसका पहले, उससे पहले हम जब वाटरिंग करते हैं, तो वो बोल रखा है फर्स्ट वाटरिंग गिवन टू द सॉइल आफ्टर क्रॉप हैज़ ग्रोन फ्यू सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब हमारा क्रॉप जो है फ्यू सेंटीमीटर उग जाता है, उस वक्त जो हम वाटरिंग करते हैं उसे बोल रखा है वहाँ पे कोर वाटरिंग। ठीक है, अगर देखा जाए तो ज़्यादातर हम यही पढ़ते हैं कि जब सोइंग के पहले जब पहला वाटरिंग बिफोर दी सोइंग, सो फर्स्ट वाटरिंग बिफोर दी सोइंग इज नोन एज कोर वाटरिंग। ओके, सो दो अगर देखा जाए तो अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम आंसर बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो एग्जैक्टली ये बोल रहा है कि जब क्रॉप थोड़े फ्यू सेंटीमीटर तक ग्रो हो जाता है तो फर्स्ट वाटरिंग जब किया उस वक्त जो फर्स्ट वाटरिंग किया जाता है उसे बोलते हैं कोर वाटरिंग। ठीक है, और उस वक्त जो डेप्थ रहता है वो होता है कोर डेप्थ। तो पैलियो इरिगेशन वो होता है जो कि फर्स्ट वाटरिंग किया जाता है बिफोर सोइंग, बिफोर
सोइंग द क्रॉप। ओके, सो जब पहले हम जब बीज बोते हैं उससे पहला वाला जो उससे पहले हम वाटरिंग करते हैं उससे पहले हम वाटरिंग करते हैं ना सॉइल पे, ये तो सॉइल पे जो पहला वाटरिंग किया जाता है बिफोर सोइंग इज नोन एज पेल्यू इरीगेशन। ओके, तो कहीं कहीं ये बात भी बोल रखा है कि कोर वाटरिंग जो होता है वो पहला फर्स्ट वाटरिंग बिफोर सोइंग इज नोन एज कोर वाटरिंग और कोरिस्पॉन्डिंग डेप्थ इज नोन एज कोर डेप्थ। देखो ऐसा भी बहुत जगह लिख रखा है। ओके, देन कोर जोन रूट जोन डेप्थ। तो रूट जोन डेप्थ क्या होता है, देखो नाम से पता है रूट जोन डेप्थ, जहाँ तक जिस डेप्थ तक हमारा जो रूट होता है प्लांट का वो स्प्रेड हो रखा है। ओके, जहाँ से उसे और वहाँ से वो सफिशिएंट वाटर ले रहा है तो उसे बोल रहा है रूट जोन डेप्थ। द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द सॉइल स्ट्राटा इन विच क्रॉप स्प्रेड इन इट्स रूट्स एंड ड्रॉ सफिशिएंट वाटर फ्रॉम इट। यही बोल रखा है कि एक सॉइल स्ट्राटा का कुछ एक डेप्थ है जहाँ तक प्लांट का रूट है वो स्प्रेड होता है और वहाँ से सफिशिएंट मॉइस्चर को एब्जॉर्व करता है। क्रॉप रेशियो क्या होता है, खरीफ रेशियो, खरीफ सीजन बाय रबी सीजन, जिसका वैल्यू होता है 2। ओके, देन बेस पीरियड। देखो बेस पीरियड क्या होता है कि फर्स्ट वाटरिंग से लेकर लास्ट वाटरिंग के बीच में जो भी पीरियड होता है उसे बोलते हैं बेस पीरियड। ठीक है, डेल्टा। डेल्टा में क्या होता है कि अब देखो डेप्थ ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड टू द क्रॉप्स ड्यूरिंग एंटायर पीरियड, मतलब कि बेस पीरियड, जो वो जो फर्स्ट वाटरिंग और लास्ट वाटरिंग के बीच में जो पीरियड है उसे बोलते हैं बेस पीरियड, और उसी पीरियड के ड्यूरिंग जितना वाटर रिक्वायर्ड होता है सॉइल के लिए, जितना डेप्थ ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड होता है सॉइल के लिए उसे बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, ड्यूटी में क्या बोल रखा है, ड्यूटी मतलब क्या होता है कि कितना हेक्टर का एरिया जो है हम कल्टीवेटेड कर सकते हैं 1 क्यूबिक ऑफ द वाटर से। ओके, ड्यूरिंग द बेस पीरियड। ओके, बेस पीरियड वही रहेगा बेस पीरियड, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट वाटरिंग से लेकर लास्ट वाटरिंग तक ही हम इरीगेट करेंगे, क्योंकि उसके बाद तो इरीगेशन का कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बाद हम हार्वेस्टिंग कर लेंगे। ठीक है, तो बात यह है मुद्दे की कि फर्स्ट वाटरिंग से लेकर लास्ट वाटरिंग तक जो भी करना है डेल्टा भी वही रहेगा, ड्यूटी भी उसी वक्त रहेगा। तो फर्स्ट वाटरिंग से लेकर लास्ट वाटरिंग का पीरियड रहेगा बेस पीरियड, तो उस बेस पीरियड के टाइम जितना वाटर का डेप्थ होता है उस वाटर डेप्थ को बोलते हैं डेल्टा, और उसी पीरियड के टाइम में 1 हेक्टर का एरिया को इरीगेट कर 1 हेक्टर का एरिया जो रहता है सॉरी कितने हेक्टर का एरिया जो होता है वो 1 क्यूबिक ऑफ द वाटर से हम इरीगेट कर सकते हैं, वो मुझे नहीं पता। तो 1 क्यूबिक ऑफ द वाटर लिया और उसको इरीगेट किया तो देखा जाएगा कितना हेक्टर ऑफ द एरिया को हम इरीगेट कर सकते हैं। तो हेक्टर पर क्यूमिक हम उसे डिनोट करते हैं। ठीक है, क्यूमिक मतलब मीटर क्यूब पर सेकंड। ओके, तो हम जब बेस पीरियड डेल्टा एंड ड्यूटी का रिलेशनशिप निकालते हैं तो निकलता क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी बाय डी। ओके, तो यहाँ पे डेल्टा जो रहता है वो सेंटीमीटर में रहता है, बी जो होता है वो बेस पीरियड रहता है सॉरी डेज में रहता है, और डी जो रहता है वो ड्यूटी हेक्टर पर क्यूमिक। ठीक है, हेक्टर पर क्यूमिक का मतलब समझ में आया, आई थिंक मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा कि जैसे कि वो ड्यूटी का मतलब ये होता है हम उसमें ये पता लगाते हैं कि कितना हेक्टर का जो लैंड है द एरिया इन हेक्टर इरीगेटेड बाय 1 क्यूबिक ऑफ द वाटर और ड्यूरिंग द बेस पीरियड, वही बोल रखा है दी। ओके, तो वो बोल रखा है ना द रेशियो एरिया ऑफ द क्रॉप इरीगेटेड एंड क्वांटिटी ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड टू सप्लाई। तो यहाँ पे ये मैथमेटिकल टर्म में दे दिया है लेकिन उसका मतलब यही है, ड्यूटी का मतलब यही है कि द एरिया इन हेक्टर इरीगेटेड बाय 1 क्यूबिक ऑफ द वाटर ड्यूरिंग इट्स बेस पीरियड, मतलब कितने हेक्टर का जो एरिया है वो 1 क्यूबिक ऑफ द वाटर से इरीगेट होता है ड्यूरिंग द बेस पीरियड, दैट इज ड्यूटी। ओके, देन ओके, अच्छा नेक्स्ट है कि अब देखो इरिगेशन के बारे में हम जाने कि इरिगेशन जब हम करते हैं इरिगेशन क्यों किया जाता है, उसका ज़रूरत क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, उसके बाद हम इरिगेशन जब पढ़ेंगे तो वेरियस टाइप ऑफ वाटर के थ्रू हमें फेस करना पड़ेगा कि जब सॉइल के अंदर वाटर जाता है तो कितने सारे फेजेस बनाते हैं। ओके, किस किस जोन में जाते हैं वाटर, किस जोन से कौन सा वाटर जो है वो हमारे वो प्लांट के लिए यूज़फुल है, ये सब बारे में जानने के बाद ये भी जाने कि वेरियस टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में जाने, जब हम इरिगेशन करते हैं क्रॉप को शोइंग करते हैं हार्वेस्ट करते हैं वाटर अप्लाई करते हैं सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में जानने के बाद ये भी बात आ जाता है कि हम इरिगेशन जो करेंगे कितने मेथड्स में करेंगे। ठीक है, ये भी बात आता है क्योंकि वेरियस मेथड होता है इरिगेशन करने का। सबसे पहला होता है फ्री फ्लोटिंग, जिसको हम बोलते हैं वाइल्ड फ्लोटिंग। नाम से पता चल रहा है कि वाटर जो फ्लोट करा जा रहा है, वाटर जो इरीगेट किया जा रहा है उसमें कोई भी गाइडेंस नहीं है, जितना डालना है डालते जाओ।
तो ये एक्चुअली एंशियंट टाइम से चला आ रहा है, ठीक है। ये जो मेथड है बहुत पहले से एंशियंट टाइम से चला आ रहा है, ओके। और इसमें जो हमारे जो प्लॉट्स होंगे, जो 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 क्रॉप्स जिसमें उगाया जाएंगे, जो लैंड में, उस लैंड में कहाँ कि जितने भी पानी दे रहे हैं उसके पीछे में कोई भी गाइडेंस नहीं होता है। और इसके लिए कोई परफेक्ट लैंड का ज़रूरत नहीं, इरेगुलर लैंड में भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद चेक फ्लडिंग, चेक फ्लडिंग में क्या होता है एक्चुअली, वो बोल रहा है फील्ड इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स, ठीक है, फील्ड को स्मॉल प्लॉट्स में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे मेन वाली बात होती है यहाँ पे चेक फ्लडिंग में कि ये जो सही होता है परमिएबल सॉइल के लिए, ठीक है। परमिएबल सॉइल के लिए सही क्यों होता है, क्योंकि अब देखो परमिएबल सॉइल में होता है क्या है, जब हम वाटर को डालें सॉइल में तो जो वाटर होता है ना वो सॉइल में चारों तरफ स्प्रेड हो जाता है, ठीक है, चारों तरफ सॉइल में स्प्रेड हो गया, ठीक है, बिफोर गोइंग टू द डेप्थ ऑफ डेप्थ, ओके। और अंदर जाने से पहले ही, अगर अंदर चले गया, मान लो अंदर चले गया, तो वो चारों तरफ सॉइल में स्प्रेड नहीं हो पाएगा ना। तो अब ये यहाँ पे परमिएबल सॉइल में क्या होगा, जब सॉइल हम डालेंगे, सॉइल में जब इरीगेट करेंगे, जब वाटर डाला जाएगा, इरीगेशन किया जाएगा, तो जो वाटर है वो चारों तरफ स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है, स्प्रेड हो जाएगा, जिसके वजह से हमारा इनफिल्ट्रेशन जो लॉसेस है वो प्रिवेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर फ्लडिंग, बॉर्डर का नाम से पता चल रहा है कि जो टोटल लैंड है उसको हम नंबर ऑफ़ दी बेड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ओके, बहुत सारे नंबर ऑफ़ दी बेड्स में डिवाइड कर देते हैं, ओके। और चारों उस बेड के चारों तरफ क्या किया जाता है, बंड्स बना दिया जाता है। बंड्स मतलब हम सबको पता होगा कि थोड़ा ऊंचाई में थोड़ा मिट्टी का बना दिया जाता है, ठीक है, जिसके वजह से वाटर जो है वो उस लैंड में रह सके। और उसका जो हाइट रहता है वो 15 से 30 सेंटीमीटर तक बनाया जाता है, ओके। और जो इसका लेंथ दिया जाता है वो 30 मीटर तक कम से कम होता है। और एक बात, जब मतलब होता क्या है कि मतलब जैसे लैंड रो होता है, नंबर ऑफ़ दी जो बेड है, बेड का जो बेड जो होगा वो नंबर ऑफ़ दी रोज़ में बनाया जाएगा। तो क्या किया जाएगा, एक तरफ नंबर ऑफ़ द रोज़ रहेगा, दूसरी तरफ राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ अगर हम देखें तो दोनों तरफ क्या होगा, रोज़ होगा लैंड मतलब जो इरीगेशन बेड्स जो हम कन्वर्ट किए वो नंबर ऑफ़ दी रोज़ जो रहेगा एक तरफ रहेगा और दूसरी तरफ रहेगा। बीच से क्या जाएगा, एक चैनल जाएगा, ओके, उस चैनल के थ्रू से पानी जाएगा और हर लैंड में इरीगेट होगा, ठीक है, कुछ ऐसा होता है। उसके बाद फरो इरीगेशन, फरो मेथड में क्या किया जाता है, फरो मेथड कहाँ पे सूटेबल है, जैसे कि अभी हम जो खेती करते हैं, वेरियस टाइप बहुत सारे खेती करते हैं, जैसे पोटैटो का खेती हुआ, ठीक है, पोटैटो हो गया, शुगर केन हो गया, वहाँ पे क्या किया जाता है ना, एक रो में बनाया जाता है ना एक रो में उसे बीज को बोया जाता है, उसके बाद वो बीज बोया जाता है, जो मेथड में वो उगता है उसे वहाँ पे डाला जाता है, ओके। तो वहाँ पे रो मतलब कि एक रो में कल्टीवेशन किया जाता है। तो जब रो में कल्टीवेशन किया जाता है तो वहाँ पे हम फरो मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, कुछ ऊँचाई में रहता है, हाँ, मतलब कुछ ऊँचाई में कल्टीवेशन किया जाता है और बीच में वाटर जाता है, ठीक है। उसके बाद कंजप्टिव यूज़ ऑफ़ दी वाटर, तो कंजप्टिव यूज़ ऑफ़ दी वाटर क्या होता है, दी वाटर विच इज़ यूज टू मीट दी वाटर विच इज़ रिक्वायर टू मीट द नीड ऑफ दी ट्रांसपोरेशन एंड इवोपरेशन, मतलब कि अभी देखो इवोपरेशन एंड ट्रांसपोरेशन लॉसेस होंगे ना, इवोपरेशन लॉसेस भी होंगे, ट्रांसपोरेशन लॉसेस होंगे, उस लॉसेस को लॉसेस की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो वाटर रिक्वायर होता है वो होता है कंजप्टिव यूज़ ऑफ़ दी वाटर, ठीक है। तो कंजप्टिव यूज़ का मतलब यही होता है कि दी क्वांटिटी दी अमाउंट ऑफ दी वाटर विच इज़ रिक्वायर्ड टू मीट द नीड ऑफ दी लॉसेस विच इज़ ऑकर्ड ड्यू टू द ट्रांसपीरेशन एंड इवोपरेशन, मतलब उस वजह से जो भी वाटर लॉसेस हो रहे हैं उस लॉसेस का जो ज़रूरत है उस लॉसेस की वजह से उस लॉसेस को का कमी को पूरा करने के लिए, राइट, वो जो लॉसेस जो है उसके कमी को पूरा करने के लिए जो वाटर ज़रूरत होता है उसको बोलते हैं कंजप्टिव यूज़ ऑफ़ दी वाटर, ओके। सो आज के लिए इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ओके, थैंक यू।